हेलो गाइस, मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि आप जो अपने आधार कार्ड में कैसे अपना नेम चेंज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको ये प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि आप अपने आधार कार्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड एक इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपका इसमें कुछ भी डेट ऑफ बर्थ चेंज होता है तो आपको ये सपोर्ट नहीं किया जाता है, आपको सिर्फ दूसरा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो बहुत सारे लोग इसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए बहुत परेशान होते हैं। इसके लिए ना आपको कहीं सीएससी सेंटर जाने की जरूरत है, ना ही आपको परेशान होने की जरूरत है। हमारा इंडिया डिजिटल होते जा रहा है, आप अपने मोबाइल से घर बैठे इसको कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने एंड्रॉइड मोबाइल से आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल नए आए हो तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको जानकारी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलता हूँ। यहाँ बगल में देख भी सकते हैं कि आपका स्क्रीन रिकॉर्डर चलेगा। मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दिया है। मैं कोई भी गूगल या क्रोम कुछ भी आप खोल लेंगे। देखिए, मैं अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर खोल लेता हूँ और मैं आपको मोबाइल जो है दिखाता रहता हूँ। आपको सबसे पहले सर्च करना है, ऊपर यहाँ पे आपको सर्च बार दिखेगा, आप यहाँ पे सर्च करेंगे UIDAI। आपको UIDAI लिख के, ये आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बगल में स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है। आप इसको लिख कर सर्च मारेंगे, देखिए आपके सामने जो है आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट खुल कर आ गया, UIDAI आप बगल में देख सकते हैं। आप यहाँ पर सिंपली क्या करें, क्लिक करेंगे। तो आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप देख सकते हैं ये साइट खुल करके आएगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सबसे ऊपर से दिखेगा डाउनलोड आधार, आपको चौथे नंबर पर दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जब आप इसका पे क्लिक करेंगे दोस्तों, अभी देखिए ये डाउनलोडिंग ले रहा है और खुल रहा है। जब आप डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा। आपको यहाँ पे नीचे छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको मैं बता दूँ, नीचे छेड़खानी नहीं करनी है। आपको सिंपली ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, आप यहाँ पे देख सकते हैं अंगूठे का फिंगरप्रिंट भी दिखा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बगल में स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह ऑन है। आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आप एक बटन मिलेगा, तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट खुल कर आएगा। आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करना है और यहाँ पे ये कैप्चा आप टाइप करेंगे, जिस तरह आपको ये कैप्चा दिख रहा है, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर पर। आप ये अपना आधार कार्ड नंबर और कैप्चा डाल करके फिल करेंगे। तो चलिए मैं अपना डाल देता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो जब आप उस पर अपना आधार कार्ड नंबर और OTP डालकर सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड आधार, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आपको दूसरा मिलेगा ऑर्डर आधार PVC कार्ड, आपको तीसरा यहाँ पे मिलेगा अपडेट आधार ऑनलाइन। आपको अपडेट आधार ऑनलाइन पर सिंपली क्लिक कर देना है। जब आप अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है कुछ डायलॉग बॉक्स खुलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको डायलॉग मतलब आपके किस तरह आप कर सकते हैं, आप एक बार कर सकते हैं। आपको यहाँ सिंपली कुछ नहीं करना है, आप बगल प्रोसेस दिख रहा होगा, आप प्रोसेस टू अपडेट आधार, आप उस पर क्लिक करेंगे नीचे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको नेम चेंज करना है, इस पर दबाएंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दूसरे पे दबा लिखा हुआ है, आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। आपको जो भी चेंज करना हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले सकते हैं। तो मुझे डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, आपको मैं ये बताने वाला हूँ। तो आप जो है सिंपल डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करके आप प्रोसेस टू अपडेट पर क्लिक करेंगे। अब जब आप प्रोसेस टू अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए करेंट डिटेल्स और ये आपका डिटेल्स टू बी अपलोड अपडेटेड, आपका पुराना वाला आ गया है और यहाँ पे आपको जो है नया वाला डाल देना है, जो भी आप इसमें चेंज कर रखना चाहते हैं। तो चलिए, तो आपको जो है सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो भी आप नया रखना चाहते हैं आप यहाँ से अपना नया जो है डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड पर मैं बता रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे ना आए तो आप यहाँ बगल में कैलेंडर देखेगा, आप यहाँ कैलेंडर से आप चूज़ कर सकते हैं, कैलेंडर से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे सिलेक्ट वैलिडेट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा जो रिक्वायर्ड होता है, आपको देना ज़रूरी होता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बता देगा आप क्या क्या इसमें दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ DOB, आप यहाँ पे बहुत सारा आपको मिल जाएगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपके यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी बोर्ड मार्क, आप मार्कशीट भी लगा सकते हैं। तो हम इस वीडियो में लगाने वाले मार्कशीट, आप अपना मार्कशीट जो है लगाएंगे, आप यहाँ नीचे से अपना मार्कशीट लगाएंगे। मार्कशीट लगाने के बाद देखिए मैंने मार्कशीट चूज़ कर लिया, अब आपका यहाँ पे ओके आएगा, आप ओके दबा देंगे। उसके बाद आपका जो भी मार्कशीट जहाँ पर भी रखा हो, उसके मैं आपको बता दूँ दोस्तों, सबसे पहले आपका जो भी डॉक्यूमेंट हो आपको अपना डॉक्यूमेंट PDF में रखना पड़ेगा, तभी आपका जो है ये बन सकता है। ऐसे फोटो में आप डालेंगे तो आपका नहीं होगा। तो चलिए मैंने अपना डॉक्यूमेंट पहले से PDF में कर लिया, मैं अपना PDF यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आपके यहाँ सिंपली क्या करना है, व्यू डिटेल्स प्लस अपलोड पर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, गेट कंटिन्यू टू अपलोड आप यहाँ पर दबाएंगे। आपका डॉक्यूमेंट जहाँ कहीं भी रखा हुआ है आप कैमरे से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा फाइल, आप फाइल चूज कर लेंगे। जब आप फाइल पर दबाएंगे तो देखिए हमारे मोबाइल का फाइल मैनेजर खुल रहा है। आप यहाँ
आप यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए आर यू श्योर वांटेड टू चेंज योर डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पे डोला के भी है, आप अपना अपना ओके कर देंगे। आप जब ओके करेंगे तो आप रिडायरेक्ट कर देगा, देखिए बगल में पेमेंट वाले ऑप्शन पर आप तो आप जो है यहाँ पे देखिए मैंने पेमेंट वाला आ गया। आपके यहाँ प्रीव्यू दिखाएगा आपका ये है आपका डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ दोनों पे डिब्बे को चेक बॉक्स में लगाएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है देखिए पेमेंट वाले ऑप्शन पर आएगा। तो आप यहाँ पर जो है अपना पेमेंट देंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मेक पेमेंट आपको दिखेगा। आप जब मेक पेमेंट पर दबाएंगे तो आपके सामने देखिए इस तरह से आपको मिल जाएगा बहुत सारा ऑप्शन। आप जहाँ से पैसा कटाना चाहें आप कटा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग, पेटीएम। तो मैं पेटीएम से कटाऊंगा, मैं आपको पेटीएम दिखा रहा हूँ, पेटीएम पे दबाता हूँ। आप यहाँ पर रिसीट पर क्लिक करेंगे, आप जब रिसीट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से लेकर के आपके सामने इस तरह से खुलेगा। अब आपका जो भी पेटीएम नंबर हो आप यहाँ पर अपने पेटीएम नंबर डाल देंगे। तो चलिए मैं अपना पेटीएम नंबर डाल देता हूँ। आप पेमेंट कर देंगे तो अपना पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपका डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आपका ऑन हो जाएगा। आप यहाँ पर दबाएंगे तो आपके सामने देखिए आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड का आ गया। आप डाउनलोड पर दबाएंगे तो आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, हमारे बगल में भी दिख रहा होगा, मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता हूँ। देखिए हमारे मोबाइल में ये ऑफ ऑन हो गया है, इस तरह से आपको मिल जाएगा। इसे दोस्तों अपना आधार कार्ड बना सकते हैं। आइए वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब